नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने HTC Dear 5 to 6G+ में लेनेज जो OS आया है बिल्कुल सही OS है फ्रेंड्स। इसमें प्ले स्टोर वगैरह सब चीज़ वर्क करता है, तो कैसे आप इसको अपने HTC Dear 5 to 6G+ में इंस्टॉल कर सकते हो वही बहुत आसानी से, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मेरा HTC Dear 5 to 6G+ है। इसमें मैंने अभी स्टॉक रोम डाल रखा है। मैं आपको बताऊँ कैसे आप इसमें वो लाइनेज जो OS आया है, लाइनेज OS नोगेट है वो, उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी बैटरी निकाल लें। हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपके फ़ोन में बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि TWRP कैसे फ्लैश करते हैं और बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे वीडियोस को देख के बहुत ही आसानी से TWRP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने बैटरी निकाल दी है इसकी फ्रेंड्स। ओके, तो अब क्या करना है, वापस से बैटरी इंस्टॉल करना है और क्या, वापस लगा दी इसे आप। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें TWRP रिकवरी मोड में जाना फ्रेंड्स। ठीक है, तो TWRP रिकवरी मोड में जाने के लिए हमें वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ प्रेस करना होगा, पता है ना आपको, पता है। ठीक है, तो हम प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके पास, तो आपको, आपने अगर ऐसा कभी फ्लैश किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना होता है। आपको ये जो वॉल्यूम अप वाला बटन है उससे आपको ऊपर ऊपर करके जाना होता है। ठीक है, तो मैं उसे जाता हूँ, चलो रिकवरी मोड में जाता है हमें। तो रिकवरी मोड कहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट में जो है वो रिकवरी मोड है। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको आप। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली है वो रिकवरी मोड है, तो हम उसमें चले जाते हैं वॉल्यूम अप बटन से। ये एरो आ गया उसमें रिकवरी मोड में। अब वॉल्यूम डाउन बटन से हम उस पर ओके कर देंगे। ठीक है, तो चलो उसको ओके करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं रिकवरी मोड में एंटर हो रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं रिकवरी मोड में सक्सेसफुली एंटर कर चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वाइपिंग का है। ठीक है, तो आप वाइप पे क्लिक करें, उसके बाद एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम, चेच डाटा, इंटरनल स्टोरेज, इसके बाद स्वाइप टू वाइप पे क्लिक कर दें। ध्यान रहे आपको माइक्रो एसडी कार्ड को फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है ये। ओके, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेट हो चुका है। अब हम बैक पे जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन का, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं अब। ठीक है, इंस्टॉल। अब आपने रोम जहाँ पे भी रखा हो आपने वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने एसडी कार्ड में रखा है, ये देखो आप, लाइनेज नाम का है ये, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। तो आप देख सकते हो फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। ये कुछ टाइम लेता है, करीब करीब 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन ब्रेक भी होता है तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई कैसे आप अपने फ़ोन को अनब्रेक कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखें आप, ये टाइम लेगा तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमने रोम फ्लैश कर लिया है अपने HTC Dear 5 to 6G+ में। अब बारी आती है इसमें वाइप चेज डेल्विक की। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइप कर लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हो वाइपिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम आता है, अब हम रिबूट पे करते हैं क्लिक। ये HTC लिखने के बाद ही आपको करना क्या है, आपको अपनी फ़ोन की बैटरी निकालनी है। एक मिनट, पहले आप ये देख लो। ठीक है, अपने फ़ोन की बैटरी निकाल लेना आप। चलो मैंने निकाल ली। आप फ्रेंड्स एज इट इज़ फॉलो करें तभी आपका गूगल प्ले स्टोर वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से TWRP रिकवरी मोड में जाना है, तो उसके लिए वही प्रोसेस अपनाएं आप। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें अब मैं गूगल प्ले स्टोर फ्लैश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हम रिकवरी मोड में वापस जाते हैं। ठीक है, अब इससे ओके कर देते हैं। ठीक है, चलो लो ओके कर दिया मैंने। तो देखो आप, मैं रिकवरी मोड में आ चुका हूँ वापस से। अब हम इसमें गूगल प्ले स्टोर जो गैप्स है हमारा वो फ्लैश करेंगे।
मैंने दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करें, देन जहाँ पे भी आपने वो रखा है, मैंने एसडी कार्ड में रखा है, तो आप देखते हो ये ओपन गैप्स देन स्वाइप टू फ्लैश। डेफिनेटली आपका प्ले स्टोर वर्क करेगा फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये रोम आपके लिए बहुत ही अच्छा रोम होने वाला है। तो गैप्स भी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं सिस्टम को सीधा रिबूट कर देता हूँ, ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना हमें, हमने सारा प्रोसेस डन कर लिया है। रिबूट, अब देखें सारा प्रोसेस होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो ये भी रिबूट होने में कुछ टाइम लेता है, तो इसके लिए पेशेंस बनाए रखें आप। आप देख सकते हो ये लोगो आ चुका है लाइनेज ओएस का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फाइनली बूट अप हो चुके हैं अपने लाइनेज ओएस में। तो अब हम इसका सारा जो प्रोसीजर होता है वो करते हैं, नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें आप, तो मैं सिंपली इंग्लिश इंडिया का करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे शायद इंग्लिश इंडिया का नहीं है। चलो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का आ चुका है, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। आप देख सकते हो मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो लेता हूँ, सॉरी ये नहीं है हमारा, सॉरी, तो मैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ सिंपली। सिम कार्ड मिसिंग दिखा रहा है क्योंकि सिम कार्ड नहीं लगा हुआ इसमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये गूगल अकाउंट डालने के लिए आ चुका है हमारे पास, पहले जो कि नहीं आता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट आप डाल सकते हो और सक्सेसफुली गूगल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, पहले के जो रोम थे उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब इसको स्किप कर देते सिंपली हम, क्योंकि अभी हमें नहीं डालना ये सब, आप डाल लेना। तो आप देख सकते हो फाइनली ये जिस कैसा इसका लुक है फिनिश होने के बाद, आप देखें। देखो आप, चलो मैं दिखाता हूँ इसके सेटिंग्स में जाके आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल फाइन काम कर रही है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप ये एंड्रॉयड 6.0.1 पे वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, देखो आप। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रोम। चलो मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, देखें आप इसको चेंज कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, ठीक है। नोटिफिकेशन बार वगैरह सब चेंज हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ।